वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ कैपेचिनो कॉफ़ी। कैपेचिनो पीने में बहुत ही मज़ा आता है और अभी विंटर सीजन है तो हमें बहुत ऐसा लगता है कि हम कॉफ़ी पिए और ऐसी कुछ कॉफ़ी के एंजॉय करें जो हमें मज़ा भी है बनाने में और वो दिखने में बहुत सुंदर हो। तो गाइस, हम आज बनाने जा रहे हैं कैपेचिनो कॉफ़ी। तो सबसे पहले हम कोई भी ब्रांड की कॉफ़ी लेंगे। मैंने ये नेस्कैफे का लिया है। कॉफ़ी लेंगे, ऑब्वियसली कॉफ़ी लेंगे और उसके लिए शुगर लेंगे। ये देखिए गाइस, एक मिक्सी का जार ले लेंगे, उसमें 2 स्पून कॉफ़ी डालेंगे। ये हमने डाली 2 स्पून ऑफ कॉफ़ी। उसके बाद फिर हम, अगर हमने 2 स्पून ऑफ कॉफ़ी लिया है तो हम 4 स्पून ऑफ शुगर लेंगे। ये गाइस हमने 4 स्पून ऑफ शुगर लिया क्योंकि हमें एक्चुअली ये आप पे डिपेंड करता है। बिटर कॉफ़ी पीना चाहते हो तो आप 3 भी ले सकते हो, पर हमेशा 1:2 का रेशियो बेस्ट होता है। तो मैंने 1:2 का रेशियो लिया है। आप अगर चाहे तो आप इसमें शुगर की मात्रा कम भी कर सकते हो। तो गाइस ये हमने दोनों को मिक्स कर लिया है। ये किया हमने कॉफ़ी और शुगर। ये देखिए गाइस, हमने ले लिया है इस तरह से। गाइस ये हम जो कॉफ़ी बनाने जा रहे हैं वो हम मिक्सर बनाने जा रहे हैं क्योंकि हमें वैसी कॉफ़ी पीनी है जैसा हम बार बार देखते हैं कि वाह ये फ्रोती इतना यमी सुपर यम कॉफ़ी कैसे बनती है। तो गाइस हम इसमें जो मिक्सचर में बनाएंगे वो हम उससे भी हमारी बहुत अच्छी फ्रोती कॉफ़ी बनेगी और बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो देखिए गाइस, मैंने ये ले लिया है। अब हम एक मिक्सचर ग्राइंडर लेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले हम इसमें आइस डालेंगे। गाइस आप ये समझ रहे होंगे कि ये कॉफ़ी मैं कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ, बट ये रियली में कोल्ड कॉफ़ी नहीं है क्योंकि मैं इसमें आइस डाल रही हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ, बट मैं कोल्ड कॉफ़ी नहीं बना रही, मैं वो हॉट कॉफ़ी बना रही हूँ। देखिए ये मेरा आइस थोड़ा सा बड़ा है तो ये 1, 2, 3 क्यूब्स जैसा है, तो मैंने इसमें 1 डाला है। आपके क्यूब्स हैं तो आप उसमें 2 क्यूब्स या 3 क्यूब्स डाल सकते हो। तो ये मैंने इसलिए डाला है कि हमारा मिक्सर ग्राइंडर गर्म ना हो जाए और इस ये जो आइस डाला है उससे इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहे, इसीलिए मैंने इसमें आइस डाला है। तो गाइस हम इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे। गाइस ये हमने बंद कर दिया और इसमें हम ऑन ऑफ करके हम इसको अच्छे से पीसेंगे। आप इसको पल्स मोड पे चलाइए। पल्स मोड पे चलाने से क्या होगा ना कि आपको ये अच्छे से पिस जाएगी और पतली भी नहीं होगी, आपको फ्रोती लुक ही मिलेगा, इसलिए आप इसको ऑन ऑफ करके चलाएंगे। अब गाइस हम एक बार चेक करेंगे इसको। वाओ देखिए कितना अच्छा सुपर मिक्सचर बना है, बहुत ही अच्छा बना है। देखिए गाइस ये अच्छी से मेल्ट हो रहा है और ये हमारा पतला नहीं हो रहा, अच्छे से बन रहा है। ये देखिए कितना अच्छा बन रहा है। सो धीरे धीरे ही चलाना है हमको, 4 to 5 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से बनने में। थोड़ी मेहनत लगती है बट ये अच्छा बन जाता है। सी गाइस देखिए ये अच्छा सा बने जा रहा है और इसमें धीरे धीरे इसका लुक ऐसा आ रहा है, फ्रोती हो जाएगा ये थोड़ी देर में। सो थोड़ा सा टाइम और चाहिए। और ये देखिए इसमें हमको आइस ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये एक आइस में ही मेरा हो गया और आप 3 क्यूब डालेंगे क्योंकि मेरा 1 क्यूब ही 3 क्यूब के इक्वल था। वाह इसका फ्रोती लुक आ रहा है, अब ये बहुत अच्छा बन रहा है। ये देखिए गाइस कितना ही अच्छा बन रहा है। ये देखिए गाइस कितना सुपर बन रहा है। अभी आप इसको अच्छे से, ये देखिए गाइस कितना अच्छा बन रहा है। इसको और थोड़ा सा और चलाना पड़ेगा मिक्सर को। ये देखिए गाइस हमने मिक्सी से निकाल कर इसको अब इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है और ये कितना ही प्यारा सुपर बन गया। देखिए कितना अच्छा बना है ये। और हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं, ये इतना सारा हमको यूज़ करना है ऐसा कुछ आप में समझना कि ये
पूरा का पूरा यूज़ हो जाएगा। इसको आप 20 डेज तक स्टोर कर सकते हो और जब मन चाहे तब आप आराम से कॉफ़ी बना सकते हो। तो गाइस देखो कितना बढ़िया बना है मिक्सचर में, ये बिल्कुल अमेजिंग है। अब चलिए हम कॉफ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने दूध को गर्म कर लिया, 2 कप मिल्क लिया हमने, वो गर्म कर लिया अच्छे से। गैस को ऑफ कर देंगे, ऑफ कर दिया। इसकी हेल्प से हम थोड़ा सा इसको टोस्ट कर लेंगे, इसमें कोशिश करेंगे बहुत सारे टोस्ट लाने की। ये गाइस मैंने एक छोटे से कप में पहले ट्राई किया है और ये कॉफ़ी 1 कप डाला, जो हमने मिक्सचर रेडी किया था वो डाला। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा दूध डाल के। ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया है, मिल गया इसमें। अब आप इसमें दूध डाल दीजिए। ये हमने इसमें दूध डाला, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम फ्रोती फ्रोती लुक वाला कॉफ़ी रेडी है गर्मा गर्म। और ये हमने दूसरे एक ग्लास में बनाया है, इसको भी उसी तरह से किया है। और इसमें मैंने थोड़ी डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है कैफे लाटे की तरह, बट एक्चुअली जिसमें फर्स्ट ट्राई ना तो मेरा इतना अच्छा तो नहीं बना, बट आई हैव जस्ट ट्राई टू मेक दिस और मुझे नहीं लगता कि ये घर में मुझसे पॉसिबल है। फिर भी देखते हैं, अभी मेरे पास ब्लेंडर नहीं है, मैं ब्लेंडर लाऊंगी तो शायद पॉसिबिलिटी आ जाए और बन भी जाए। बट स्टिल इट्स लुकिंग सो ग्रेट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आई एम फीलिंग सो गुड टू हैव दिस। सो गाइस चलिए एंजॉय कीजिए आप हॉट कॉफ़ी, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि आपको सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज एन्जॉय कॉफ़ी इन दिस विंटर सीज़न, इट्स लुक्स सो टेम्पटिंग, क्योंकि मैंने इसको पी के देखा और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बना है। मैंने इसमें थोड़ा सा और दूध डाला है, आपकी मर्ज़ी है, आपको बिटर टेस्ट पसंद है तो आप दूध कम डालें। और मैंने इसमें डिज़ाइन बनाने की तो काफ़ी कोशिश की है बट एक्चुअली इतना बन नहीं पाया, बट हाँ जो हमें फ्रोती लुक चाहिए था वो तो बन गया। सो गाइस एंजॉय दिस कॉफ़ी इन दिस विंटर सीजन।